पुलिस ने दो लोगों को इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ा। 12 के रेमडेसिविर की पकड़ी गई। दोनों आरोपी आगरा के रहने वाले, खिचड़ीपुर के LBS के बाहर से पकड़ा। लॉकडाउन को देखते हुए मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव बढ़े, अब 31 मई तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कृष्णनगर में सरकारी स्कूल में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, विधायक ने जाकर लिया जायजा। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लगेगी वैक्सीन, लगभग 150 लोगों का हुआ आज टीकाकरण। सूरजमल बिहार में युवा लगवाने आ रहे हैं वैक्सीन, लगभग 1000 लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। 30 मिनट तक रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगती है वैक्सीन। और लॉकडाउन होने से मजदूरों के आगे खाने के संकट, सरकार और संस्था की तरफ से नहीं सहायता, पिछले साल स्कूलों में मिलता था खाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। इस कोरोना संकट के समय में लोगों में मानवता नहीं दिख रही है। जिस इंजेक्शन से कोरोना मरीजों की जान बचाई जाती है, उनकी धड़ल्ले से कालाबाजारी होती हुई दिखाई दे रही। पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने दो ऐसे लोगों को रेड डाल के LBS अस्पताल खिचड़ीपुर के पास से पकड़ा है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40,000 रुपये में बेच रहे थे। पुलिस को किसी ने सूचना दी और पुलिस उसी आधार पर पहुंची। पुलिस ने सफेद स्विफ्ट डिजायर में से दो लोगों को पकड़ा है, जिन्हें 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं उनके पास से। पकड़े गए दोनों आरोपी आगरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ईस्ट MCD में होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर और 3 स्थायी समिति के चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 18 मई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नहीं है, इसको 31 मई तक कर दिया गया है। मेयर निर्मल जैन ने इसकी जानकारी हम लोगों से साझा की है। मेयर ने कहा कि दिल्ली में कोरोना अपने विकराल रूप पर है, जैसे हालात ठीक होंगे वैसे ही चुनाव कराए जाएंगे। निगम क्षेत्र का पूरा ध्यान कर रही है इस कोरोना महामारी में और सारे काम ठीक से किए जा रहे हैं। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जो महापौर, उपमहापौर और 3 स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव, उनकी नामांकन की तिथि 18 मई लास्ट थी। पूर्वी दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन आगे 24 तारीख तक बढ़ा दिया है, अतः पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी आज 18 तारीख का जो नामांकन की तिथि उसको बढ़ा करके 31 मई कर दिया है और साधारण सभा की बैठक जो 25 मई निर्धारित की हुई थी उसको बढ़ा करके हमने 6 जून कर दी है। सभी से निवेदन है हम सब मिलकर के लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और पूरी तरीके से कोरोना महामारी का एक बहुत भयावह रूप सामने आया है, इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें सब मिलजुल करके। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम इसमें पूरी तरीके से आपके साथ है, लगातार हमारी गाड़ियाँ सैनिटाइज कर रही हैं, हमारे DBC कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कोरोना पीड़ित लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनके घरों से बायोमेडिकल वेस्ट भी हमारे कर्मचारी उठा रहे हैं लगातार। इसके अलावा हमारे सैनिटरी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी 10% के पास आ गया है। वही यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेड पहले के मुकाबले बढ़ा दिए गए। पहले के मुकाबले आपको बता दें, जहां पहले 70 बेड थे अब 800 बेड हैं और 450 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता RR चौधरी ने।
दिल्ली में लगातार कोरोना के केसों में अब कमी आती जा रही है, एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो रही है। बात करें पॉजिटिविटी रेट की तो वो 10 से नीचे तक पहुंच चुका है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल या केयर सेंटरों की, तो वहाँ बेड बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो GTB हॉस्पिटल हो या राजीव गांधी हो या यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जिसके पीछे भी मैं खड़ा हूँ। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी अब बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है, यहाँ भी लगभग 800 बेडों की संख्या कर दी गई है। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ी सी पीछे लेके चलूँ, लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले की बात करें, तो ना दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल हों जो पूर्वी दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल थे या यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ ना बेडों की संख्या बढ़ाई गई थी, ना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बेड थे उन्हें भी कम कर दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से एक न्यूज़ भी करी थी और आपको दिखाया भी था कि एक पेशेंट जो खासा बीमार था, उन्हें अर्जेंट बेड की ज़रूरत थी, जिसके लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खुले नहीं थे और ये कह दिया गया था कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम एडमिट नहीं कर सकते। उस टाइम मैं आपको बता दूं, उस टाइम लगभग यहाँ 70 बेड थे जो ऑक्सीजन के थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यहाँ पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद वो झिलमिल ESI हॉस्पिटल में गया। आज के ये हालात हैं कि 800 बेड तो हैं, जिसमें 450 बेड ऑक्सीजन के लिए है। और अब सांसद हो या जिला प्रशासन हो, यहाँ अपील भी करते हैं लोगों से कि यहाँ के इलाज करवाएं, यहाँ प्रॉपर इलाज है। लेकिन जब दिल्ली में पीक पर अपना मामला था और लगभग पॉजिटिविटी रेट 30 के आसपास थी, उस टाइम इस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का गेट मरीजों के लिए नहीं खुल रहा था। हमारी टीम और हम कई बार यहाँ पहुँचे भी, खासकर देखा जाता था कि ये गेट बंद रहता था, ये मरीजों के लिए नहीं खोला जाता था। लेकिन आज का नज़ारा अलग है, आज यहाँ मरीज एडमिशन ले सकते हैं, या बेड भी खाली हैं। पूर्वी दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी बेड की संख्या घटाने के बाद अब बढ़ाई जा रही है वापस से। GTB, राजीव गांधी, इन दोनों हॉस्पिटलों में भी बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। और बात करूँ अब पॉजिटिविटी रेट जो कम हुआ है, जिसकी वजह से एक्टिव केसों में कमी आई है, सरकार का ये भी कहना है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही थी उसके बाद वो किल्लत अब ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद से ही अब हॉस्पिटल में बेड तो बढ़ रहे हैं और मरीजों की संख्या कम हो रही है। लेकिन इससे एक साफ जाहिर ये भी होता है कि जब ज़रूरत थी उस टाइम तो बेड की संख्या कम कर दी गई और उस टाइम मरीजों को एडमिशन नहीं मिला। अब उतनी खास मरीजों को ज़रूरत नहीं है और केस भी कम हो रहे हैं, अब बेड की संख्या बढ़ाई भी जा रही है और मरीजों को बुलाया भी जा रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। दिल्ली में कोरोना के केस पहले के मुकाबले गिरते जा रहे हैं। पिछले 20 दिन पहले कोरोना से बुरा हाल था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से कोरोना के केस में गिरावट देखी जा रही है। हमारे रिपोर्टर ने गिर रहे कोरोना के केस को लेकर एक्सपर्ट से बात की। क्या कहा डॉक्टर गौरव सैनी ने, जरा आप भी सुनिए। किंतु ध्यान रहे कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आप सभी को मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी का बड़ी शिद्दत के साथ पालन करना, और आपको चाहिए कि स्वस्थ होने के पश्चात अपनी दिनचर्या का और खान पीन का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। प्रतिदिन योगासन करें, जो कपाल भाती अनुलोम विलोम है उन सब का पालन करें, सांस से संबंधित जो भी प्राणायाम, जो भी योग होते हैं उन सब का पालन करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स और विटामिन सी की टैबलेट निरंतर आप लेते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सुबह के शाम पर टहलने जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना SpO2 मॉनिटरिंग और BP जो चार्टिंग है वो जरूर करते रहिए। धूम्रपान और शराब वगैरह का सेवन जो है ये बिल्कुल वर्जित रखें। इन सभी के साथ साथ आपका सामाजिक दायित्व भी ये बनता है कि जो स्वस्थ होकर व्यक्ति आया है वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। अब हम पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर उनकी बात करें, तो ये हम सब जानते हैं कि जो कोविड है वो बेसिकली हमारे फेफड़ों पर, किडनीज पर, हार्ट के ऊपर और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इन सब की केयर बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब आजकल नया चीज़ देखने को आया कि ब्लैक फंगस एक नई चीज़ आई है। ये बेसिकली उन लोगों में पाया गया है जिनको कोविड से पहले डायबिटीज़ थी, और डायबिटीज़ के बाद उनको स्टेरॉइड यूज़ किया गया ड्यू टू रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। उन सब चीज़ों में ये चीज़ कॉमन देखी गई है। उनमें नाक के ऊपर नमनेस आ जाती है, नेजल ब्लीड शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको सचेत रहना होगा। बेसिकली वही है कि रेगुलर आप SpO2 चेक करते रहिए, BP चेक करते रहिए, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बेसिकली कोविड के बाद सांस लेने में रुकावट आना, या लेथार्जी बहुत ज़्यादा, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी का आ जाना, ठीक है, और सीवियर हेडेक होना, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशन है। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको इस महामारी के संकट से बचना है तो आपको वैक्सीन की रफ्तार को आगे बढ़ाना होगा। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार वैक्सीन की स्पीड को आगे बढ़ा रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर के सरकारी अस्पताल में नया वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है,
जिसमें 150 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इलाके के विधायक एस के बग्गा ने जाकर जायजा लिया, देखा, साथ ही सभी स्टाफ और डॉक्टर्स का भी धन्यवाद अदा किया है। कृष्णनगर में वैक्सीनेशन सेंटर खोलकर जनता को जो कोरोना का टीकाकरण होना है उससे फायदा होगा। ये 9 से 5 डेली खुलेगा, अभी 150 लोगों के लिए आज स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी आगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। और यहाँ के पूरे स्टाफ का, डॉक्टर्स का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो कोरोना समय में लोगों की सहायता कर रहे हैं। और अब कृष्णनगर के लोगों को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वैक्सीन लगवाने में, स्लॉट मिलने में, वो अब दूर हो जाएगी और समय पर स्लॉट मिल पाएगा। कृष्णनगर में 4-5 सेंटर और खोले जा रहे हैं, जल्द ही उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। आज कृष्णनगर ये स्कूल में पहली बार फर्स्ट डे है जो आज से ये काम चालू हुआ है। इधर जो भी सोशल डिस्टेंस और डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी लोगों को ये कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क जरूर लगाएं। कृष्णनगर स्कूल जो है एक कोरोना वैक्सीन सेंटर की नई शुरुआत होने जा रही है, ये हम इसका हम जो है धन्यवाद करेंगे। सुविधा देने के लिए जो है सरकार से या दिल्ली सरकार से जो भी हो रहा है वो अपने प्रयास जो है लगातार जो है जारी रख रहा है। तो मुझे पहले किसी ने एडवाइस किया था कि चाचा नेहरू में लगेगा, चाचा नेहरू से चंद्रनगर होते हुए फिर किसी ने एडवाइस किया कि यहाँ मेरे घर के पास ही लग रहे हैं, तो मुझे यहाँ के अच्छा लग रहा है। अब आगे देखो जो भी है फैसिलिटीज तो लग रही है कि सही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आगे देखिए। इस सेंटर से हमारे यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत फायदा होगा। स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बना है, स्टाफ है, उसके लिए ये भी शुक्रगुजार हैं जो सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं और सिविल डिफेंस के भी शुक्रगुजार हैं। तो यहाँ पे पास में आके हमें बहुत परेशानी थी, मैं मिल नहीं रहा था कहाँ लगाना टीका कहाँ लगाना है, वो आज मेरे को मिल गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूर्व दिल्ली के सूरजमल बिहार के सरकारी स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में यूथ वैक्सीन लगवाने के लिए खूब आगे आ रहे हैं। हर रोज लगभग 1000 के लगभग वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक उन लोगों को ऑब्जर्वेशन में बैठाया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछा जाता है, बताया जाता है कि आपको आके बुखार भी आ सकता है। पूरे एहतियात के साथ लोगों को वैक्सीन सेंटर पर लगाई जा रही है। आपको बता दें वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है दिल्ली में, जिसको देखते हुए अब 18 प्लस को वैक्सीन नहीं लगेगी, सिर्फ 45 प्लस को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, स्लॉट बुकिंग मेरे को स्लॉट बुकिंग में तो टाइम लगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है और विद इन 15-20 मिनट्स मेरे को वैक्सीन लग गई है। और दूसरी डोज के लिए इन्होंने बोला है कि 84 दिन बाद मेरे को संपर्क करना है। पहले रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद स्लॉट बुकिंग कराई थी, स्लॉट बुकिंग के बाद मेरे को यहाँ का जो सेंटर है वो अलॉट किया गया और 1 से 3 का स्लॉट मेरे को मिला था जिसमें आके मैंने वैक्सीन लगवाई है। अभी तो सही है सर, कुछ नहीं हो रहा है। कितनी देर लगी वैक्सीन? अभी थोड़ा ही टाइम लगा हुआ है मेरे को वैक्सीन लगे हुए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है सर। जैसा मैं पहले था स्वस्थ वैसे ही अभी हूँ। डॉक्टर ने कुछ बताया आपको? हाँ, कहीं बुखार आता है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं सर। रजिस्ट्रेशन मैंने 5 डेज पहले करवाया था लेकिन नंबर मेरा अब आज का आया। नहीं, टाइम लग रहा है क्योंकि बुकिंग फुल हो चुकी है पहले से। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन लगवाना हमारी सेफ्टी है, कुछ भी नहीं होगा इससे, लगवानी चाहिए, सबको लगवानी है। कोई भी जब वैक्सीन लगवाने हमारे पास आता है तो पहले तो हम उसको बताते हैं कोविशील्ड वैक्सीन है, 84 डेज बाद दोबारा से लगेगी। वैक्सीन के बाद आपको बुखार आ सकता है, उसके लिए आपको पैरासीटामोल लेना है। और कोई भी अगर आप कोमॉर्बिडिटी की दवाई ले रहे हैं जैसे बीपी की या थायराइड की, वो मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी है। यूथ आ रहा है और सभी बहुत ही मतलब इंटरेस्ट से लगवा रहे हैं, क्वेरीज भी पूछ रहे हैं हमसे। 10,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो चुका है पिछले 10-12 दिन में और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का। बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, हर रूम में म्यूज़िक का अरेंजमेंट कराया जिससे कि लोग थोड़ा रिलैक्स रह सके, और हर तरह की सुविधा दी जा रही है यहाँ पे। नहीं, हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत ही एक्साइटेड है सभी लोग, और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और लोग बहुत खुश है वैक्सीनेशन से। हमारे पास जितने भी सेंटर्स हैं उनमें से कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है किसी को भी परेशानी हुई हो, लेकिन फिर भी एक सरकार की व्यवस्था है कि हम प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर कोई भगवान ना करे कोई दिक्कत हो तो हम उसे एक व्यवस्था दे पाएँ, उसे संभाल पाएँ। इसलिए रोज़ाना लगभग 800, अभी तो 800 का शेड्यूल है हमारे पास, 200 पर सेंटर है तो 1000 का शेड्यूल हो गया यहाँ पर। वैसे पहले 600 का था यह शेड्यूल। भीड़ को देखकर आगे भी बढ़ाई जाएगी?
आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए और जैसी सरकार की व्यवस्था होगी वैसे हम लोग तैयार हैं ड्यूटी के लिए। दिल्ली में कोरोना को लेकर लॉकडाउन जारी है, जिसे देखते हुए मजदूरों को काफी परेशानियां हर रोज उठानी पड़ती हैं। दो वक्त का खाना भी मजदूरों को नसीब नहीं हो पा रहा है। मजदूरों का कहना है कि पिछले साल स्कूलों में दिल्ली सरकार की तरफ से और तमाम संस्थाओं की तरफ से खाना मिलता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन में ऐसा नहीं है। कई बार तो मजदूरों को भूखा ही सोना पड़ रहा है। तो परेशानी बहुत ही उठानी पड़ रही है। खाली यहाँ पर जो स्कूल में खाना आता है बस वही खाने को मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। स्कूल में रोज बढ़ता है सुबह शाम खाना, बस यहाँ पर बच्चों को मिला के 10-12 लोग तो हैं और बाकी सब लोग सुबह आते हैं, शाम को 10-12 जने मिल जाएंगे आपको बस। पिछले साल तक बहुत कई संस्था चल रही थी, इस बार कोई संस्था नहीं आई है। अब गुजारा तक ऐसे ही कुछ मिल जाता काम कर रहे, मैं तो थोड़े सब्जी वब्जी भी चाहता हूँ, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। और राशन कार्ड पिछले जो मिल रहे थे महीना का फ्री, हमें तो एक भी बार नहीं मिला है। राशन कार्ड भी बंद कर रखा है। आज सरकार को सोचना चाहिए, सड़कों पर रहते हैं वो भी रहते हैं, जो गरीब है वैसे भी गुजारा नहीं चल रहा, उनको भी सोचना चाहिए। सबके काम बंद है, सोचते हैं बहुत से ऐसे हैं खाना ही नहीं बनता है, नहीं मिलता है। अरे ऐसे करते यहाँ चावल वावल आ जाते स्कूल में, वही खा पी लेते सब जने। नहीं अब खाने के का कोई तो कोई इंसान भूखा उठाता है, सुलाता थोड़ा भूखा है, कैसे तो कैसे अपने गुजारा तो करते ही है सब। कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे गुजारा कर रहे हैं। बता तो रहे 10-15 जने यहाँ पे रहते हैं बस, यहाँ तो वन तक बस, शाम को इतने जने मिलेंगे, दिन में तो बहुत जने मिलते हैं। मोदी जी के खिलाफ वैक्सीन पर लगाए गए पोस्टर पर विवाद कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के इन सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। बीजेपी के नेता इसे बेबुनियाद बता रहे हैं। क्या कहा पूर्व दिल्ली के नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस और आप नेता ने, जरा आप भी सुनिए। वैक्सीन की कमी सामने आ रही है उभर के, कई राज्यों के अंदर जो टीकाकरण चल रहा था वो पूरी तरह रुक गया है क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रही है। आज इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो वैक्सीन देशवासियों को लगनी थी, अपने देश के लोगों को मरता हुआ छोड़कर 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में बेच डाली। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि को सुधारने के लिए। जो किसान आंदोलन के बाद में मोदी सरकार की भदपिटी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर, उसको थोड़ा सा निखारने के लिए, संवारने के लिए मोदी जी ने ये काम किया कि अपने देशवासियों को मरता छोड़कर 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेज दी। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को, मुल्कों को भेज दिए हैं। 92 देशों के अंदर वो वैक्सीन बेची गई हैं। आज देखने वाली बात यह है कि जो समृद्ध राष्ट्र हैं, जो बड़े महाशक्तियां हैं, अमेरिका ने कोई वैक्सीन एक भी बाहर नहीं बेचा, जापान ने एक भी वैक्सीन बाहर नहीं बेचा। आज केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जिसने 92 देशों के अंदर वैक्सीन बेच दी है। हिंदुस्तान में इतने लोग मर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा आज घटिया बात यह है मोदी सरकार की कि आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ पोस्टर रिलीज करे थे, सवाल खड़ा करा था केंद्र सरकार के सामने कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों को जो वैक्सीन लगने थे उनको विदेशों में क्यों भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूं इसमें क्या गलत बात है? साथियों, जिस तरह एक पोस्टर जो दिल्ली की दीवारों पर लगा हुआ था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इसको जब ये पोस्टर लगने के बाद कुछ गरीब लोगों को दिल्ली पुलिस ने उठाया प्रेशर में आकर, मैं सबसे पहले तो इसकी घोर निंदा करता हूं क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अपने हक की बात कहना यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर हम अपने हक की बात कह रहे हैं तो क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? कौन सा डर है नरेंद्र मोदी जी को? क्यों डर गए वो? और मैं ये सवाल करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी कि दिल्ली के अंदर जहां के आप मुख्यमंत्री हैं वहां पर इस तरीके से लोगों को उठाया गया लेकिन आपने एक भी बयान नहीं दिया, आपने किसी को छुड़ाने की कोशिश नहीं करी, क्यों? तो क्या इसका मतलब यह है कि जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, वो आपने साबित कर दिया? ये आपसे भी सवाल पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी जी कसूरवार हैं इस कोरोना सुनामी के बिगड़ने के, उतने ही दिल्ली के अंदर आप भी गुनेगार हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारी केंद्र सरकार अपनी दिशा में निरंतर चलती रही देश हित में। उसने विश्व के सारे जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं दवाइयां बनाने के, वो पूरे करते हुए कुछ दवाइयां बाहर दी और अधिकांश दवाइयां देशवासियों को उपलब्ध करवाई। इसी का परिणाम था कि 18 करोड़ वैक्सीन
बिना समय खोए हमारे देश भर में लग चुकी हैं और शेष 200 करोड़ वैक्सीन का पूरे देश भर को वैक्सीन लगाने का प्रोडक्शन अगले कुछ ही दिनों में हो जाने वाला है। मात्र पिछले कुछ दिन वैक्सीनेशन की स्पीड कम हुई तो इन्होंने हाहाकार और प्रलय मचा दी कि जैसे मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। मोदी जी का नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व है, पूरे देश को वैक्सीन लगेगी, रिकॉर्ड समय में लगेगी और उनके हाथ में देश सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा, विपक्ष के बहकावे में जनता ना आए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN इंडियन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।